हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपके साथ और लेक्चर नंबर 3 में, लेक्चर नंबर 3 जो केमिस्ट्री लाइफ का चल रहा है। और यहाँ पर जो टॉपिक है आपका क्या है, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, अभी जेई मेंस में क्वेश्चन लेटेस्ट में पूछा गया था इसके ऊपर। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट में चीजें कर रहा हूँ, आप पार्ट में पढ़ते चले जाओ। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जो इस पार्ट में, इस मैकेनिज्म में काम आएंगे कि भाई ये कैसे काम करता है, उसमें जो एंजाइम्स क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है ना, कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो वो बायो वाले बच्चों को पता है कुछ चीजें, लेकिन जो जेई वाले बच्चे हैं उनके लिए हम कुछ बातें यहाँ बोल रहा हूँ कि एंजाइम्स क्या होता है बेटा। एंजाइम्स एक प्रोटीन्स ही होते हैं और ये क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, पढ़ाया हुआ क्लास के अंदर। ठीक है ना, रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर भी प्रोटीन ही होता है। ठीक है, रिसेप्टर भी प्रोटीन होता है लेकिन यूज फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब बॉडी के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए क्या यूज होता है, क्या होता है, रिसेप्टर्स। ये सेल के बाहर होते हैं रिसेप्टर, है ना, क्या क्या मैसेज है, क्या चीज है। तो बॉडी में कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है, रिसेप्टर। रिसेप्टर वर्ड आपने बहुत पहले सुना हो, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, क्या होता है ना, ट्रांसमिशन, रिसेप्टर। तो वैसे ही क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम, यहाँ पे यही प्रोटीन है ना, और ये कम्युनिकेशन सिस्टम की तरह काम करता है। ठीक है, अब आता है कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये एक पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इसमें, इसके अंदर क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैसेज कैरी करते हैं, द कैरी द पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल की वॉल्स होती हैं, तो उसके मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है ये पोलर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, है ना, दे कैरी पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो उस पोलर मॉलिक्यूल्स में कुछ मैसेज है, ठीक है, वो मैसेज है, उस चीज को क्या कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या कर रहा है ना, भेज रहा है। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस भेजना, दिस कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन्स, क्या बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन्स बोलेंगे, है ना। ये पोलर, ध्यान रखना है, क्या करते हैं, कैरी, दे कैरी पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस में पोलर मॉलिक्यूल्स को, है ना, ट्रांसफर करते हैं, कहानी क्लियर है, कैरी करते हैं। ठीक है, फिर आता है न्यूक्लिक एसिड, आप जानते हो डीएनए आरएनए सब हो गया। तो कोटोपिया क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल, है ना, आप जानते हो जेनेटिक रिस्पॉन्स के लिए आप पापा जैसे देखते हो, मम्मी जैसे देखते हो, है ना, तो आपका जो जेनेटिक रिस्पॉन्स है उसके लिए क्या है, न्यूक्लिक एसिड इंपॉर्टेंट है, डीएनए आरएनए आप जानते हैं इसके बारे में। लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट, ये भी एक टर्म है, ये भी यूज होगा। ये क्या होते हैं, ये सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो सेल होती है आपकी, सेल का जो आपके बॉडी पार्ट्स है, सेल के पार्ट्स जो है, सेल के पार्ट्स होता है, तो सेल का जो है, जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका बना होता है, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट का। तो ये बातें कुछ पता होनी चाहिए, बेसिक बातें जो कि आपको आगे पढ़ने से पहले, ठीक है। तो ड्रग टारगेट इंटरेक्शन का ये पहला पार्ट है, पार्ट 1, उसमें ये है बेटा कि एंजाइम के ऊपर ड्रग कैसे टारगेट करता है, क्योंकि एंजाइम को ब्लॉक कर दे, एंजाइम के एक्टिव साइट को ब्लॉक करके एंजाइम के काम को रोक सकता है। आपको पता है ना एंजाइम क्या है, एंजाइम्स क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, रिएक्शन कराने में, केमिकल रिएक्शन कराने में हेल्प करते हैं। तो अंदर जो प्रोटीन्स टूट रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट टूट रहे हैं, उसमें एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है। स्टार्च टूट रहा है, ठीक है, फैट टूट रहा है, उसमें एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है ना। वो एक्टिव साइट पे सब्सट्रेट, सब्सट्रेट क्या हो गया, यही प्रोटीन हो गया, है ना, आपका जो बायो, जितने बायो मॉलिक्यूल आप पढ़ते हो, तो स्टार्च वगैरह वो सब्सट्रेट हो गए, सब्सट्रेट एक्टिव साइट पे आते हैं, ये की और लॉक सिस्टम टाइप का होता है, और यहाँ पे आके ये एक्टिव साइट पे बैठ जाते हैं, और फिर इसमें केमिकल एक्शन होता है, फिर ये मॉलिक्यूल सब्सट्रेट टूट जाता है, अमीनो एसिड में सिंपलर पार्ट में टूट जाता है, आप जानते हो सब नॉर्मल बातें हैं बायो की। ठीक है, अब सीन क्या है कि मुझे एंजाइम को टारगेट करना है, जो हमारा मेडिसिन है वो एंजाइम को कैसे टारगेट करता है, एंजाइम पे कैसे इफेक्ट डालता है, क्योंकि अगर एंजाइम का एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाए या एक्टिव साइट डिस्टर्ब हो जाए तो एंजाइम काम नहीं करेगा। समझना इस बात को, कि अगर मान लो कोई एंजाइम काम कर रहा है, उस एंजाइम के काम करने से कोई बीमारी पे इफेक्ट आ रहा है ना, कोई कोई बीमारी जो है, अगर मैं एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दूं तो बीमारी रुक सकती है ना, वो बीमारी रुक सकती है। तो सीन ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो प्रोटीन, प्रोटीन जो है क्या कहते हैं, लगातार आप खा रहे हो और जो है आपको बीमारी है, वो प्रोटीन पच नहीं रही, क्यों नहीं पचती, रीजन क्या है, डॉक्टर मना भी करता है वो कई बार कि अभी बीमारी में आपको बहुत, है ना, ऑयली फूड नहीं खाना है, सॉल्ट जो है आपको नॉर्मल फूड खाना है, खिचड़ी खाना है, क्यों कहता है आपसे, क्यों, क्योंकि आपके एंजाइम को, है ना, ब्लॉक किया गया है, जो आपका ड्रग है उसने एंजाइम को टारगेट किया हुआ है, उसने एंजाइम को रोक रखा है, एंजाइम को बोला काम नहीं करने दे रहा है, उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक किया है उसने, इसलिए वो डॉक्टर बोलता है कि अभी थोड़ा लाइट खाना खाना है आपको। समझ रहे हैं इस बात को, तो आपके जो आपकी लाइफ है, आपकी केमिस्ट्री है ना, आपकी जो लाइफ है वो केमिस्ट्री ही है, और इसी को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पर, है ना बेटा। और यहाँ पे देखो एक बात, यहाँ पे एक सीन ये है कि एंजाइम जो है कैसे टारगेट किया जाता है। तो मैंने आपको बोला था कि दो पार्ट है इसका, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन का, ड्रग कैसे मॉलिक्यूल को टारगेट करता है,
उसके दो पार्ट है, एक तो एंजाइम को ब्लॉक करके, एंजाइम के एक्टोसाइट को ब्लॉक करके, और एक सेल मेम्ब्रेन के पास, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में देखो एंजाइम एज अ ड्रग टारगेट। अब इसमें क्या होता है, एंजाइम को मैंने से बताया है, ये एंजाइम मान लेते हैं ये सब्सट्रेट है, प्रोटीन वगैरह होंगे, है ना, सब्सट्रेट हो गया आपका, तो ये एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट पे जाता है सब्सट्रेट और जाके काम होता है। अब होता क्या है जब ड्रग आता है तो क्या होता है, ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, सम ड्रग कैन इनहिबिट और ब्लॉक एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, दिस कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर। जो ड्रग्स होते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देते हैं, उनके एक्टिव साइट को बंद कर देते हैं, जिससे सब्सट्रेट यहाँ पे आके बैठ नहीं पाता है, तो सब्सट्रेट बैठ नहीं पाता है तो आगे आपका जो खाना है वो आगे जो फर्दर जो काम है रुक जाता है थोड़ी देर, क्योंकि हमें चीजों को ठीक करने के लिए चीजों के प्रोसेस को रोकना भी पड़ता है। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है, जैसे मशीन आपकी खराब हो जाए आप क्या करते हो, मशीन को थोड़ी देर के लिए रोक देते हो, रोकने के बाद उसे ठीक करते हो, फिर मशीन चालू करते हो। सेम कहानी यहाँ पे है, आपका ये मान लो मशीन है जो लगातार काम चल रहा है, आप खा रहे हो, आपका खाना पच रहा है ना, लगातार काम चल रहा था, तो दवा जो मान लो आपका मशीन खराब हुआ है तो ऑब्वियसली इस बात को रोकना पड़ेगा, इस काम को रोकना पड़ेगा। इस काम को रोकने के लिए क्या किया, ड्रग लगा दी। तो ड्रग्स जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन क्या करते हैं, इस ब्लॉक इस साइट को ब्लॉक कर देते हैं, इस साइट को ब्लॉक कर देते हैं। अब ब्लॉक कर देते हैं बेटा, तो ये जो काम है रुक गया थोड़ी देर के लिए, फिर जब बीमारी ठीक हो जाती है तो वापस वो मेडिसिन हट जाती है, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है और फिर से एंजाइम काम करने लगता है। कितना बढ़िया है ना, जैसे आपकी नॉर्मल मशीन आप बंद करके उसे ठीक करते हो, वैसे हमारी बॉडी है उसे कुछ प्रोसेस को रोक कर ठीक करके फिर से वापस स्टार्ट कर देते हैं। कितनी प्यारी चीज है मेडिसिन, है ना, कितने प्यारे डॉक्टर अपने, है कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, सम ड्रग्स कैन इनहिबिट और ब्लॉक एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर सकते हैं, उसे बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर। दो तरीके से कर सकते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो दो तरीके हैं जेईई मेंस में इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। दो तरीके कौन कौन से, एक है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नाम क्या है कॉम्पिटिटिव, मतलब कंपटीशन होने वाला है भाई, है ना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और एक क्या है इलस्ट्रेटिव, जो है इलस्ट्रेटिव साइट ऑफ एक्यूपेशन, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो दोनों पार्ट देखने वाले हैं। तो पहला पार्ट क्या है, है ना, आपका है कॉम्पिटिटिव, है ना, नाम ध्यान से, कॉम्पिटिटिव मतलब क्या हो, कॉम्पिटिशन होने वाला है। कॉम्पिटिशन किससे होगा, मेडिसिन और सब्सट्रेट के बीच में, मेडिसिन जो ड्रग है, ड्रग और सब्सट्रेट के बीच में कंपटीशन होगा कि भाई इससे पहले कौन पहुंच जाएगा, इसे ब्लॉक करना है। आप खाना खा रहे हो, सब्सट्रेट यहां जा रहा है यहां पे होने के लिए, अगर आप चाहते हो काम बंद हो जाए तो क्या हो जाए, इसके स्थान में कौन पहुंच जाए, मेडिसिन पहुंच जाए, ड्रग्स पहुंच जाए। अगर ड्रग्स पहले पहुंच गए और इसको ब्लॉक कर दिया बेटा, अगर इसको ब्लॉक कर दिया तो सब्सट्रेट यहां नहीं पहुंच पाएगा, काम कुछ देर के लिए रुक जाएगा, आपकी जो बॉडी ठीक हो जाएगी तो मेडिसिन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, फिर से काम करने लगेगा, एक्टिव साइट फिर से काम करेगा। ठीक है ना, ऐसे तो कंपिटिटिव इनहिबिटर का मतलब क्या है, ड्रग कंपीट विद द नेचुरल सब्सट्रेट, है ना, नेचुरल सब्सट्रेट फॉर दियर अटैचमेंट ऑन द एक्टिव साइट, इसको रोकता है। मैंने जो बातें बोल रहा हूं बातें यहां लिखी हुई हैं, सच ड्रग्स आर सिमिलर शेप एंड साइज। बताओ कंपटीशन कब होगा, जब ये जो एक्टिव साइट का शेप है जहां पर सब्सट्रेट आ रहा है, अगर ये सब्सट्रेट और जो मेडिसिन है सिमिलर साइज होंगे तभी यहां आके बैठेगा, तभी आके यहां बैठेगा, सिमिलर साइज का नहीं होगा यहां बैठ ही नहीं पाएगा, बोलो। तो यही बात बोल रहा है कि सच ड्रग्स आर द सिमिलर शेप एंड साइज, पहली बात सब्सट्रेट की तरह होने चाहिए। दूसरी बात क्या बोल रहा है इसमें, जो पॉइंट है, एज अ रिजल्ट ओरिजिनल एक्शन ऑफ एंजाइम्स डज नॉट टेक प्लेस, जो हमारा पर्पस था एंजाइम्स को कुछ देर के लिए रोक दो वो काम ना करे, पहले बीमारी ठीक हो जाए फिर काम हो। इसीलिए जब आप बीमार पड़ते हो तो आपको लाइट खाना खाने के लिए बोला जाता है, लाइट खाना, खिचड़ी, दलिया, इस टाइप की चीजें बोली जाती है। क्यों बोली जाती है, क्योंकि आपके एंजाइम्स काम नहीं करते, अगर आप खाओगे, आप जो हैवी खाना खाओगे एंजाइम काम करेंगे नहीं तो पेट और खराब हो जाएगा, गैस बनेगी पेट में, ठीक है ना। इसलिए जो है आपके साथ सब चीजें डॉक्टर आपको बोलता है लाइट खाना खाना कुछ दिन के लिए, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती है ना, तो ये क्यों होती है, क्योंकि एंजाइम काम करना बंद कर देता है, उसकी एक्टिव साइट ब्लॉक हो गई। कंपटीटर का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट करना है, कंप्लीट तब करेंगे सिमिलर साइज हो। कितना सिंपल है, कितना आसान है इसको याद करना, कितना सिंपल है। इस पॉइंट को आपको याद करना है ना, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। दो टाइप्स के होते हैं, दूसरा है आपका एलोस्टेरिक साइट एक्यूपेशन। एलोस्टेरिक साइट क्या है, एलोस्टेरिक साइट मतलब बैक से, है ना। एक तरीका है भाई फ्रंट से आ रहा, भाई लड़ाइयां दो तरीके से होती है, एक सामने सामने, है ना, सामने सामने लड़ाइयां हो रही है, सामने आके लड़ाई के ब्लॉक किया काम खत्म। एक लड़ाई कैसे हो रही है, बैक से, है ना, सब गोरिल्ला युद्ध, छुप छुप के, छुप छुप के मतलब, है ना, पीठ में कंजर भोंकने वाले लोग, है ना, पीठ में कंजर कैसे भोंकते हैं, होता है ना, कुछ लोग लगे हुए लगातार कैसे आगे जा रहा है, कैसे आगे जा रहा है, पीठ में कंजर भोंक देते हैं, ठीक है, तो बढ़ना देना चाहते नहीं है किसी को, है ना, ऐसा होता है ना, ये लाइफ है, ये यही जीवन है, जो जीवन है वही केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का मतलब क्या है, ना, केमिस्ट्री बिटवीन अस, केमिस्ट्री किसी के बीच की है, आप चाहे फैमिली में किसी की बात कर लो, है ना, सबकी केमिस्ट्री तो है, केमिस्ट्री चल रही है सबकी, है ना। तो यहाँ देखो आप,
इलास्टेरिक साइट ऑफ ऑक्यूपेशन, यहाँ क्या क्या बोल रहा है, इलास्टेरिक साइट ऑफ ऑक्यूपेशन, ये क्या करता है, अब इसका सेप गड़बड़ कर देगा, देखना भी है ना भाई। एक तो था मैं ब्लॉक कर दूं सामने से, अगर हिम्मती होगा सामने से ब्लॉक कर देगा, कंप्लीट करेगा उसको, अगर हिम्मती नहीं होगा क्या करेगा है ना, चुपचाप आएगा इस सेप को डिस्टर्ब करके चला जाएगा है ना, इस सेप को डिस्टर्ब करके चला जाएगा। जैसे गांव में कई बार होता है कि मुझे खेलने नहीं दिया जा रहा है, तो जाके पिच जो मैदान हुआ करता है, जो पिच जहां मैच खेलने वाले हैं उसको जो के जाके फौड़ा से खोद के चले जाए, ऐसे करते हैं है ना, चुपचाप रात हो गए खोद के चले जाए, पिच खराब, सुबह मैच खेल लो जैसे खेलना है, तो वही तरीका है। तो भाई सामने से आके भिड़ो तो मुझे खेलना है, तो क्या करो बैक से गए, बैक से जाने के बाद क्या किया, जाके इस साइड को ही खराब कर दिया, इस पिच को ही खराब कर दिया। एक बात समझो, जैसे आप, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, जैसे मान लो कि ये जैसे मान लो एंजाइम है, ठीक है, अब ये एंजाइम है, एंजाइम का ये एक्टिव साइट है। अगर एक तरीका क्या है कि मैं एक्टिव साइट पे आके बैठा दूं ड्रग्स को, मेडिसिन को, फर्स्ट टाइप हो गया, कंपिटिटिव इनहिबिटर हो गया, जो कि क्या होगा सिमिलर सेफ साइज का होगा तभी हो पाएगा, सबस्ट्रेट का सिमिलर होगा तभी आपके यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है, बराबर पावर का होना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। एक दूसरा तरीका क्या है कि भाई पावरफुल तो नहीं है लेकिन चुपचाप कहां से आया, बैक से, जब बैक से अटैक करेगा ये जो साइड है आपकी वो कैसे शेप्स क्या हो जाएगी, शेप इसकी चेंज हो जाएगी, अगर साइड की चेंज शेप चेंज हो गई तो जो सबस्ट्रेट था वो आएगा, देखेगा, बोलेगा भाई तो वो साइड है ही नहीं जहां मुझे बैठना था, और जब साइड पे बैठ नहीं पाएगा, बॉन्डिंग हो नहीं पाएगी, तो एंजाइम काम करना बंद कर देगा। तो सिमिलर उसी तरह से आपका है ना, जैसे आप सोच रहे हो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे सीन क्या है कि बाइंड द अंदर साइड ऑफ एंजाइम, एंजाइम के दूसरे साइड पे लगभग पीछे से, यहाँ बैक से है ना, तो बैक से अटैक कर रहा है, तो बैक से अटैक कर रहा है, क्या बोलते हैं इसको, इलास्टेरिक साइड, क्या बोलते हैं, इलास्टेरिक साइड बोलते हैं। और इलास्टेरिक साइड क्या करता है, ये क्या करता है, सेप जो आपका जो है, जो एक्टिव साइड था, जो एक्टिव साइड का उसका जो सेप था उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, जब सेप चेंज कर दिया अब सब्सट्रेट यहाँ पे नहीं आ पाएगा, बोलेगा आएगा, बोलेगा तो मेरा घर ही नहीं, यहाँ तो मुझे बैठने ही नहीं था है ना, फिर बेचारा वही काम, इसका काम रुक गया। तो काम रोकने के दो तरीके, एक तो डायरेक्ट भाई सामने से आओ, सिमिलर कंप्यूटर हो, पावरफुल हो, आए बैठ गए यहीं पे, पहले से पहले आके बैठ गए, इतने क्या है, इतने क्या है, बैक से है ना, बैक से क्या किया, इसका इसका जो है सेफ ही बिगाड़ दिया है ना, सेफ बिगाड़ दिया तो भी क्या होगा, तो भी ये है ना काम करना बंद कर देगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हो क्या रहा, यहाँ पे बात को ध्यान रखना, नोट लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नोट क्या लिखा है कि ये जो बॉन्डिंग यहाँ पे होती है, ये बॉन्डिंग, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है, जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है तो ये परमानेंटली सेफ बिगड़ जाता है इसका, अगर परमानेंटली सेफ बिगड़ गया ना बेटा इसका, अब क्या होगा कि अब बीमारी ठीक होने के बाद वापस ये रिगेन नहीं करेगा ऐसे, जब वापस रिगेन नहीं करेगा तो बॉडी क्या करती है, इसको पूरे एंजाइम को ही बाहर निकाल देती है ना, बॉडी से डिग्रेड कर देती है और नए एंजाइम्स बनाती है। तो जब इस तरह का इनहिबिटर वाला केस आएगा उसमें क्या आएगा, उसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कैन नॉट ब्रोकन इजीली, एंजाइम इज ब्लॉक्ड परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है, देन बॉडी डिग्रेड्स दिस एंड द फॉर्म न्यू, और नया फॉर्म करता है, नया एंजाइम फॉर्म करता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा, दवा आया, बैठा, ब्लॉक किया, वापस चला गया, वापस रिगेन हो गया, लेकिन इसमें वापस रिगेन नहीं होता है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है ना। तो इस तरह से इस पे जेईई मेंस पे क्वेश्चन बना है लेटेस्ट में, तो बेटा आपके सारे पॉइंट्स है ना याद रखने हैं, ठीक है, फटाफट इस छोटे छोटे पार्ट में आपको फटाफट इसको नोट्स बना लो है ना, इसको याद रखो, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे कि कैसे सेल मेम्ब्रेन पर अटैक करता है, कैसे सेल पर, अभी तो एंजाइम पर अटैक किया है, अभी सेल पर अटैक करेगा। दो पार्ट पढ़ते हैं ड्रग एक्शन के, एक एंजाइम पर अटैक पढ़ते हैं, इसको दो टाइप्स हैं, कॉम्पिटिटिव है ना, नाम से पता चल रहा है कॉम्पिटिटिव है, मतलब सामने से पावरफुल है, बराबर का है, सामने से आएगा, और एक ऐसा है इलास्टेरिक साइड, मतलब क्या हो गया, बैक से अटैक करेगा है ना, होता है ना बैक से अटैक करने वाले, चुपचाप पीठ में खंजर फूंक दिया, तो पीठ में खंजर फूंकने वाला ये, ठीक है ना, ये सामने से आने वाला है। तो इस तरह की चीजें आप लोग जो है इसको नोट कर लो फटाफट, और जो है स्मार्टली खत्म करो, मतलब पार्ट टू में, इसी के पार्ट टू में हम लोग पढ़ेंगे कि अब की बार सेल एज अ टारगेट, जैसे एंजाइम टारगेट हो गया, क्या करेगा सेल, कैसे टारगेट करते हैं, कैसे उसमें रिसेप्टर काम करेगा, कैसे कैलर प्रोटीन्स काम करेंगे, वो सारी बात बताने वाला हूँ। इसलिए मैंने टर्म्स अभी क्लियर कर दिया कि जो आपके टर्म्स है आपको पता होना चाहिए, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे उस पार्ट को, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में है ना। ऐसे स्माइल के साथ हमेशा चीजों को हैंडल करिए है ना, जब भी आता है ना कि बड़े किसी ने कहा है कि जो है कैसा भी सिचुएशन हो है ना, आपकी स्माइल है ना आपका बेस्ट रिएक्शन होता है, ठीक है, तो आपके स्माइल के साथ हमेशा चीजों को है ना इसको एंजॉय करिए, ठीक है, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, चलो बाय बाय।